सो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आज ही टीज्ड हुई 2020 टाटा हैरियर BS6 के बारे में। इंडियन मार्केट में कंपनी ने आज इस गाड़ी को जो है कहीं ना कहीं एक पूरा कंप्लीट टीजर है उसके अंदर प्रॉपरली बता दिया कि क्या क्या अपडेट जो है वो आने वाले थे। आज सुबह ही टाटा एल्ट्रोस का लॉन्च इवेंट चल रहा था, उस टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ में जो है अपडेट शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर क्लियरली जो है कंपनी ने जब एल्ट्रोस को लॉन्च करा, फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करे नेक्सॉन के, टिगोर के, टियागो के, उस टाइम पे सभी गाड़ियों का एक टीजर जो है चलाया स्क्रीन के ऊपर। एंड वहां पर क्लियरली विजिबल हो रही थी टाटा हैरियर BS6, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या फीचर्स आएंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस आएंगे, प्राइसिंग कितनी बढ़ सकती है, उसके बारे में जो है आज इस वीडियो में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर लुक से। तो फ्रंट को जो है थोड़ा सा जो है हल्का सा फ्रेश लुक दिया है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। जो ग्रिल है वो थोड़ी सी नई देखने को मिल रही है, दैट्स ऑल। बाकी एक रेड कलर एंड ब्लैक आउट कॉन्ट्रास्ट रूफ के अंदर जो है नया कलर ये दिया जाएगा, नया लॉन्च किया जाएगा BS6 के साथ में। एंड जो अलॉय व्हील्स हैं उनकी डिजाइन पूरी चेंज कर दी है और ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो है कंपनी को बहुत ज्यादा कंप्लेन गई थी कि अलॉय व्हील बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्टैंडर्ड लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं, जो है गाड़ी की पर्सनैलिटी पे इतने ज्यादा सूट नहीं करते हैं और टायर्स जो है वो छोटे लगते हैं। तो अब इसके अंदर आपको 18 इंच के ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में ड्यूल टोन में अलॉय व्हील जो है देखने को मिलेंगे, जो यहां पर वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गाड़ी के अंदर दूसरे और कोई भी चेंजेस बॉडी के अंदर नहीं होने वाले हैं। एक्सटीरियर में ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है सेम रहने वाली है, बस एक नया कलर, ब्लैक कॉन्ट्रास्ट रूफ और ये जो नए 18 इंच के अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में जो है वो थोड़ा सा फ्रेश लुक देने की कोशिश करिए, जो क्रीम कलर का इंटीरियर है उसको हल्का सा लाइट करेगी कंपनी, दैट्स ऑल। उसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जो है उसकी बात की जाए तो वो सभी चीजें सेम है। इन फ्यूचर जो है जब ग्रेविटास लॉन्च होगी 7 सीटर टाटा हैरियर, जिसका नाम ग्रेविटास रखेंगे कंपनी, ग्रेविटास ही रखा गया है, जैसा कि अभी ऑटो एक्सपो में जाऊंगा तो उसकी वीडियो वगैरह सभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वहां पर जितनी भी वीडियोस डालूं सभी के अपडेट्स आपको मिल जाए। इंस्टाग्राम पर स्टोरी देख लो, एक एक अपडेट्स वहां से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या गाड़ियां जो है लॉन्च होने वाली है, इंडिया में अपन कौन कौन सी गाड़ियां जो है दूसरी कंपनियों की देखेंगे। उसके बाद में अब बात करते हैं, इस गाड़ी के अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलने वाला है। अभी हैज एन एक्सेसरी जो है सनरूफ अवेलेबल था, जो कि आपको मैन्युअली जो है ऑपरेट करना पड़ता था। अब कंपनी फिटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आएगा, वो भी टीजर के अंदर जो है क्लियरली दिख रहा है। मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वीडियो पॉज कर दूंगा या एक फोटो जो है वो लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली जो है वो देखने को मिल जाए कि हैरियर BS6 के अंदर सनरूफ जो है वो आने वाला है, दैट्स ऑल। और दूसरे कोई भी चेंजेस नहीं है। आ जाते हैं स्पेसिफिकेशंस पे। तो 2 लीटर का फियाट सोस मल्टीजेट इंजन ही होने वाला है, बट BS6 कंप्लाइंट इंजन होने के बाद में इस गाड़ी के अंदर पावर बम्प अप हो जाएगी। 170 BHP की जो इंजन ये पावर जनरेट करता है, जैसा कि जीप कंपास में अपन इसको यूज कर रहे हैं, वैसी ही पावर आपको टाटा हैरियर में भी देखने को मिलेगी। अभी 140 bhp ही मिलती है और बाकी जो स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, इको मोड, ये सभी मोड्स आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पर पावर जो है वो बढ़ जाएगी और हो जाएगी 170 bhp। टॉर्क जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सेम 350 nm का ही होने वाला है। 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स तो आएगा ही, साथ में जो 6 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन की यूनिट्स थे वो भी कंफर्म है कि वो भी अब इस गाड़ी के साथ में जो है आने वाले हैं जैसे ये गाड़ी लॉन्च हो जाती है। एंड जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च होती है इसका रिव्यू जो है मैं आप लोगों को चैनल पे सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए आप बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग कोई भी वीडियो जो है मिस ना करें। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाटा हैरियर 2020 BS6 की, क्या क्या अपडेट्स आएंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या फीचर्स ऐड होंगे, वो सभी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। साथ ही एक चीज और, BS6 कंप्लाइंट टाटा हैरियर के अंदर आयरा करके जो इंटेलिजेंट स्मार्ट असिस्टेंट है, जो अभी नेक्सॉन के अंदर आपको बिल्ट इन देखने को मिलेगा फेसलिफ्ट वर्जन में, वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कंपनी कर सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रेविटास के अंदर ही आएगा, इसके अंदर अभी नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद में जो है कंपनी इसके अंदर देगी। बट हो सकता है कि कंपनी अभी BS6 वर्जन में जब टाटा हैरियर को लॉन्च करे तो वो फीचर भी इसके अंदर दे दे, क्योंकि ये एक काफ़ी प्रीमियम SUV है, टाटा को हैरियर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो दैट्स ऑल, ये सभी थे आज के मेन हाइलाइट्स। एंड नेक्सॉन लॉन्च हो गई है, टाटा टिगोर जो है अपडेटेड और टियागो जो है अपडेटेड, वो लॉन्च हो,
एंड नेक्सॉन फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी गई है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट ईवी जो है 28 जनवरी को लॉन्च होने वाली है, एल्ट्रोस आज लॉन्च हो गई है। उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू वाली वीडियो जो है आप चैनल पे देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। साथ ही एल्ट्रोस में वैल्यू फॉर मनी वेरियंट कौन सा है, कौन सा वेरियंट परचेस करना चाहिए, कौन से वेरियंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, जो कस्टमाइजेशन पैक है उनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या प्राइस है, तो उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो उस पर आप जो है जाके आई बटन पे क्लिक करिए एंड उसको भी आप देख सकते हैं। ह्यूंडई ओरा की भी सेम वीडियो जो है इस टाइप से चैनल पे अवेलेबल है। तो बस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर यहाँ तक देख ही चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करिए। कास्ट बाइक स्कूटर से रिलेटेड इसी न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वाली वीडियो मैं रोज अपने चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।